दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो 23x36 फीट है, 23x36, और इसमें मैंने कार पार्किंग व्यवस्था रखी है और बेहतरीन सा बारंदा बालकनी और साथ साथ आपको यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था मिल जाती है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो में लगातार। मैं हूं झागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। यदि आपने अभी तक स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। स्मार्ट हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, नए नए वीडियोस मिलते रहते हैं। जब भी आप घर बनवाइएगा तो एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें, जिससे आपको एक नया लुक देखने को मिलेगा। आप जो चाहे वो लुक देख कर बनवा सकते हैं। तो आज का जो प्लान है 23x36 फीट में, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्री साइड क्लोज है, मैं आपको बता दूं तीनों तरफ से आपके घर बने होंगे, सिर्फ फ्रंट से ही आपका ओपन है और फ्रंट से ही मैंने बालकनी वगैरह देखिए प्रॉपर तरीके से जो दिया है बेहतरीन से डिजाइन वो आपको देखने को मिलेगा। ये इसका मेन डोर है, पिलर है, उस पर बीम है, उसके बाद मेन डोर लगा हुआ है और यहाँ से आपको चढ़ना होगा और ये आगे बाउंड्री है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग बनाया है तो बाउंड्री मैंने बना रखी है और ये आपके देखिए झरोखे टाइप के बने हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका देखिए ग्राउंड फ्लोर है, मेन डोर ये है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। मेन डोर जो बना हुआ है काफ़ी स्टाइलिश है, यहाँ पर देखने को मिलता है। आप जैसे एंट्री करते हैं अंदर को तो सबसे पहले आप आ जाते हैं एक कार पार्किंग वाले एरिया में, ये एरिया है कार पार्किंग और आपकी यहाँ से स्टेयर्स हैं, चढ़ना स्टार्ट करेंगे बाहर की तरफ आ जाएंगे, उसी के नीचे कार पार्किंग हो जाएगी और ये साइड में आपको जगह मिल जाती है, ये देखिए पार्किंग का एरिया इधर। और सबसे पहले आपको एक बेडरूम देखने को मिलता है, इसमें इन्होंने विंडो दिया है, स्टाइलिश विंडो दिया है जो कि आप देख पा रहे होंगे वेंटिलेशन के लिए। ये आपका डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। इसका मेन डोर ये है घर का, यहाँ से आप एंट्री करके अंदर पहुँचते हैं। जैसे आप अंदर पहुँचते हैं तो इस कॉर्नर पर आपको एक बड़ा सा बेडरूम देखने को मिल जाता है। इस वाले एरिया में आपका लेटन बाथ मैंने क्रिएट किया, ये आपका बड़ा सा किचन है और ये आपका एक आंगन टाइप की जगह और छूट जाती है। तो ओवरऑल 23x36 फीट में आपको दो बेडरूम, किचन, कार पार्किंग और इधर साइड में पार्किंग, साथ साथ एक छोटा सा आंगन और स्टेयर्स वगैरह देखने को मिल जाती है ग्राउंड फ्लोर में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा और मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इससे आप इसका रियलिस्टिक व्यू आप समझ पाएँ। ये तो पूरा ग्राउंड फ्लोर था, ये देखिएगा इसका जो डिज़ाइन है डोर का, विंडो का डिज़ाइन, ये आप देखिए प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट, ये इसका दोस्तों फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पर हालांकि मैंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है, चारों तरफ 4 फीट का बाउंड्री ऊपर किया है, ऊपर स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी और साथ साथ ये रेलिंग जो ग्रिल बनाई है ये बहुत ही मॉडर्न टाइप की और स्टाइलिश ग्रिल है। आप देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर तरीके से ये ग्रिल जो यहाँ पर बनाया है मैंने वो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये पूरा मॉडल बहुत ही बेहतरीन सा, ये जो मेन डोर था उसके आगे लगभग मैंने 3.5 फीट का अप्रॉक्सीमेट छज्जा टाइप का निकाला है, जो आपका ये स्टाइलिश राउंड कलर का ग्रिल देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये मॉडल कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आप लोग चैनल तो देखते हैं, काफ़ी व्यूवर्स आते हैं बट लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा, तो सब्सक्राइब कर रहे हैं ज़रूर, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है मैं जब भी वीडियो डालूँगा और हमारा आप नोटिफिकेशन अगर ऑन कर रखते हैं जो घंटी के निशान आता है उसे भी दबा देते हैं तो हमारा वीडियो अब तक पहुंचेगा, आप उसे देख पाएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहा करें और वीडियो को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।